जय हिंद साथी। आज हम आपके साथ बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो टॉपिक है अमेरिका से जुड़ा। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी 21 सितंबर से अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं, और ऐसे समय पर अमेरिका की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भारत सरकार के खिलाफ एक समन जारी करती है, बुलावा भेजती है कि आप आए और यहाँ पर हमारे प्रश्नों का जवाब दें। तो वह प्रश्न विचारणीय है कि ऐसे समय पर जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ यात्रा पर हैं, वार्ता पर हैं, वार्ता करेंगे, बहुत सारे संबंधों पर, बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा पर चर्चा होगी, और ऐसे समय पर वहाँ की न्यायालय हमारे लिए समन जारी करता है, तो क्या ये भारत सरकार के इंसल्ट के समान नहीं है? तो ये बात प्रश्नचिन्ह खड़ा करती है कि क्या अमेरिका वाकई में भारत का हितेशी या मित्र है, या यूं कहूं कि जैसा कि अमेरिका के बारे में माना जाता है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं, ये बात सही सिद्ध होती है। चलिए मैं आपको उस केस की तरफ लेकर चलता हूं, जो केस या जिस केस में भारत सरकार के खिलाफ ये समन जारी हुआ। आइए जानते हैं, भारत सरकार के खिलाफ पिछले वर्ष यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वर्सेस निखिल गुप्ता के नाम से केस दायर हुआ वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस दायर हुआ, और उस केस में कहा गया, ये सब यूज किया गया कि जो पन्नू है वो विक्टिम है, हमारे देश के नागरिक, और सीसी वन शब्द का प्रयोग किया गया, और सीसी वन के बारे में ये माना गया कि ये भारत के एनएसए या यूं कहूं कि सीएपीएफ से जुड़े हुए व्यक्ति हो सकते। अब बात आई कि वो व्यक्ति होंगे कौन, तो इस मामले में कभी भी उन व्यक्तियों के नाम को उजागर नहीं किया गया, और अब भारत सरकार के खिलाफ समन जारी हुआ। ये कि भारत सरकार के एक के ऊपर आरोप लगे कि इनके एक बिजनेसमैन थे निखिल गुप्ता, जिनको अमेरिका ने भारत का एजेंट बताया, और कहा कि इन्होंने पन्नू को मारने के लिए अमेरिका में एक व्यक्ति या शूटर को चुना, और वो योजना विफल हो गई। मोदी जी पिछले वर्ष अमेरिका की यात्रा पर थे, तब ऐसा किया गया, यानी कि पन्नू खालिस्तान के समर्थक हैं, खालिस्तान की मांग करते रहते हैं, और उसको न्यूट्रल करने के लिए, उनको मारने के लिए भारत सरकार ने ये प्लानिंग की थी, जिसमें हमारे देश के एनएसए अजीत डोभाल, पूर्व रॉ चीफ सामंत गोयल, रॉ एजेंट विक्रम यादव और बिजनेसमैन निखिल गुप्ता का नाम शामिल आता है। निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक से 30 जून 2023 को गिरफ्तार कर लिया, और उसके बाद 14 जून 2024 को चेक रिपब्लिक ने उसको अमेरिका को सौंप दिया, और तब से ये केस लगातार चलता है। अब बात आती है कि मामला है क्या, तो खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने अमेरिका की जिला अदालत में अपनी हत्या की साजिश को लेकर मुकदमा, कहा कि भाई मुझे मारने के प्रयास भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। तो अब पन्नू की हत्या की साजिश में मैंने बताया कि निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया, अमेरिका में प्रत्यर्पित कर दिया गया। कौन है गुरपतवंत सिंह पन्नू? जन्मे हैं भारत के पंजाब के खानपुर, यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में अमेरिका में रह रहे हैं, और अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता इनको प्राप्त है। तो अमेरिका ने कहा कि भाई आप हमारे देश के नागरिक को मार रहे हो, और इसलिए हम आपके खिलाफ समन जारी कर रहे हैं। तो यार मजाक वाली बात होगी कि आपने भारत सरकार के खिलाफ भी समन जारी कर दिया। अब मैं इसके बारे में, पन्नू के बारे में और बताऊं। खालिस्तान का समर्थक रहा, 2019 में यूएपीए के तहत पन्नू का एक संगठन चलता था जिसका नाम था सिख फॉर जस्टिस, जिसको हम शॉर्टकट में SFJ के नाम से भी जानते हैं। इसको 2019 में भारत सरकार ने यूएपीए के तहत आतंकी संगठन कहकर बैन किया। इसके बाद जब पन्नू ने और हरकतें की, तो 2020 में पन्नू को भी आतंकवादी कहकर प्रतिबंधित कर दिया गया, आतंकवादी घोषित कर दिया गया भारत सरकार, और तब से पन्नू को न्यूट्रल करने के भारत सरकार प्रयास। अब बात आती है कि ये नया केस क्या है, भारत सरकार ने क्या वाकई में साजिश में शामिल थी, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेकर चलता हूं। थोड़ा सा पीछे इसलिए लेकर चलता हूं कि हुआ ये कि अमेरिकी रॉ एजेंट
अमेरिकी रॉ एजेंट ने भारत की यात्रा की, और भारत की जब यात्रा की जिनका नाम था सुलेमान। सुलेमान ने, अब सोचिए कि अमेरिका रॉ नहीं सर एनएसए, अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के प्रमुख थे सुलेमान साहब, सुलेमान साहब, सुलेमान साहब भारत की यात्रा कर रहे हैं पिछले वर्ष। और ये बड़ा ही मुश्किल, मतलब रेयर मामला है कि अमेरिका का एनएसए किसी देश की यात्रा बहुत कम चांस में करता है। मुद्दा यही था, जब भारत के एनएसए अजीत डोभाल साहब के साथ वो मिले तो उन्होंने इस बात को रखा कि आप देखिए, दबाने का प्रयास किया गया, देखिए कि भाई हमको पता चला है कि आप पन्नू की हत्या में शामिल हो, हमारे देश का नागरिक है, या तो आप इस बात को के लिए सबूत दो, वरना हम पूरे विश्व में, यानी कि उनको दबाने का प्रयास किया गया, पूरे विश्व में उजागर कर देंगे कि भारत विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी बना फिरता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उनके विरोध में कोई आवाज उठाता है तो उसको मार दिया जाता है। तो इस तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया गया। तो हमारे एनएसए साहब ने कहा कि देखिए सुनिए, ये फालतू वाली बात तो आप हमारे साथ करिए मत, अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप सबूत दीजिए, वरना हम सिरे से नकार दें कि हम ऐसी किसी भी साजिश में शामिल नहीं है। तो अमेरिका के एनएसए साहब वापस चले। कनाडा के साथ भी हमारे संबंध इसी मुद्दे को लेकर बहुत लंबे समय से खराब है। ये तलखी जो कनाडा के साथ आई वो इसी मुद्दे को लेकर आई, क्योंकि कुछ वर्ष समय पहले एक खालिस्तानी समर्थक निज्जर की हत्या का मामला सामने आया, जिसमें कनाडा के संसद में प्रश्न उठा कि इसकी हत्या में भारत सरकार दोषी है, भारत सरकार का हाथ है। तो कनाडा के साथ हमारे संबंध बिगड़ गए, हम दोनों ने अपने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को अपने अपने देश से विदा कर दिया। तो कनाडा से संबंध हमारे खराब हैं, कनाडा की हमने एक ना सुनी। तो कनाडा गया अमेरिका के पास, भाई देखो अब आपकी सुनेंगे, हमारे देश को नागरिक को मानने को पर तुले हैं, ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तब अमेरिका की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से भारत सरकार के खिलाफ संबंध आता है। तो अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर क्या ये संबंध वही एक साल पुराने केस पर है जिसके बारे में मैंने आपके साथ अभी शुरुआत में बात की थी, क्या ये इसी यही केस है, क्या इसमें जो सीसी बंद शब्द यूज हुआ है ये नाम उजागर कर दिए गए हैं? तो मेरे प्यारे साथियों ऐसा नहीं, यानी कि जब 21 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में उतरेंगे तो उनको गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि ये दोनों मामले बिल्कुल अलग, बस एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, क्योंकि व्यक्ति वही पन्नू है जो भारत सरकार द्वारा घोषित आतंकवादी है, जो अमेरिका और कनाडा का नागरिक है। दूसरा मामला ये है कि अभी पन्नू ने क्या किया कि उनको पता चला कि उसको कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा समय है मीडिया में छा जाने का और अपने समर्थकों को बढ़ाने का। तो इस टाइम पर इन्होंने एक केस दायर किया और एक नया केस दायर हुआ, और उस नए केस में आपको दिख रहा होगा गुरपवन सिंह पन्नू वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अजीत डोभाल, सामंत गोयल, विक्रम यादव, निखिल गुप्ता एंड डस 1250। और ये केस अभी 19 तारीख को वहां की अदालत में आया। तो ये एक नया केस जब पन्नू ने वहां पर दायर किया तो उसका ये प्लान था कि भाई मैं जब भारत सरकार के खिलाफ एक केस दायर करूंगा और इसी मामले में वहां की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने समन जारी किया जिसमें नाम ओपन केस में किए गए, मैं दो अलग अलग केस की बात कर रहा हूं आपके साथ, एक केस जो यूनाइटेड स्टेट वर्सेस निखिल गुप्ता है और दूसरा केस पन्नू वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अजीत डोभाल, सामंत गोयल, विक्रम यादव, निखिल गुप्ता। ये तो जो अभी समन जारी हुआ है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनएसए चीफ अजीत डोभाल, पूर्व रॉ चीफ सामंत गोयल, विक्रम यादव, निखिल गुप्ता के खिलाफ, वो एक नए मामले। तो मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समन से भारत और अमेरिका के संबंधों में कुछ खास बदलाव नहीं आने वाला है, ऐसा दोनों देशों के विदेश मंत्रियों का मानना है। तो ये बात बिल्कुल नहीं होगी कि मोदी जी को वहां गिरफ्तार कर लिया जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी बेहतर लगी होगी, ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको जानकारी समय से मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य टॉपिक पर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।